दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटेंट गुरु पे। और आज हम जीएसटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपसे डिस्कस करने वाले डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, बताइए हमें गुड्स सर्विसेज क्या है। जीएसटी की डेफिनेशन हमें मालूम ही है, गुड्स सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। सो नाउ गुड्स के अंदर क्या आ रहा है, सर्विसेज के अंदर क्या आ रहा है, ये हम आपसे इसके बारे में आज ये बात करेंगे। और दूसरा, बड़ी सरप्राइजिंग से एक बात, एक डिस्कवरी हुई है कि 81% जो हैं, 81% जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर है, उसमें हमारी कीमतें घटी हैं, यानी टैक्स घटा है। इंस्टेड ऑफ वी आर हैव अ मिथ कि दैट टैक्स बढ़ा है, बट टैक्स हमारा घटा है। दैट मीन्स 81% जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, दोज आर लेस देन 18% और 18% और लेस देन 18% ब्रैकेट के अंदर। सो आज हम ये जानने के लिए, इसकी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं मिस्टर संजीव नंदा, जो कि आपको फर्दर बताएंगे कि गुड्स और सर्विसेज के अंदर इसका क्या डेफिनेशन है और इस पर क्या इम्प्लीकेशन है। अगर मैं आटा खरीदने जा रही हूँ मार्केट में, अगर मैंने एक आटा, समझिए मैंने एक ब्रांड से खरीदा और आटा मैंने खरीदा चक्की में जाके पिसवाया, तो दोनों में क्या अंतर है। वहाँ मुझे एक जगह पे मेरे को 0% टैक्स पड़ रहा है और एक जगह पे 5% टैक्स पड़ रहा है, जो कि मिस्टर संजीव नंदा हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, फिर हमारे साथ हमारे चैनल कंटेंट गुरु पे हैं मिस्टर संजीव नंदा। वेलकम मिस्टर नंदा, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सारिका फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूँ कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने MBA करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, और 30 साल हो गए मुझे कंपनीज को हेल्प करते हुए GST और टैक्सेस इंप्लीमेंट करने में। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे, जिसके अंदर हम ये सब गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन कवर करेंगे, क्या टैक्स रेट है, उसका क्या लॉजिक है, व्हाट इज़ द मेथड टू दिस मैडनेस दैट गवर्नमेंट हैज पुट इट। तो ये सब अपन इस सेक्शन में कवर करेंगे और आप देखते रहिए इस चैनल को, कंटेंट गुरु को, और हम आपको कोशिश करेंगे कि सरल से सरल शब्दों में ये सिंपल एक्ट को, सिंपल टैक्स को, जो अभी एक बड़ा हुआ लगा हुआ है, बन रहा है, उसको सरल शब्दों में आपको समझाएं, ताकि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेलकम टू contentguru.com। इस वाले सेक्शन में हम कवर करेंगे गुड्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। गुड्स, गवर्नमेंट अब बड़ी स्मार्ट हो गई है, इतने सारे कोर्ट केसेस देखने के बाद उनको ये समझ में आया है कि बहुत सारे लोग कोर्ट के अंदर जाके गवर्नमेंट को डेफिनेशन में ही उलझा देते हैं। तो गुड्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा है, गुड्स अंडर सेक्शन 248 ऑफ GST एक्ट मीन्स every kind of movable property other than actionable claim and money, but includes securities, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply under the contract of supply। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीज़ें goods की definition में cover हो रही हैं वो goods हैं, और जो मैंने अभी ऊपर आपको डेफिनेशन कही वो गुड्स की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 248 बता दी है। इसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ करी है, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये एक एक्सेप्शन में है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, जैसे गुडविल है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, विच इज़ नॉट फिजिकल इज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने सर्विसेज की डेफिनेशन जो दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग दी है, उसके अंदर उन्होंने कहा है, टू पुट इट इन वन वर्ड, एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विसेज। मतलब जो गुड्स है उसकी डेफिनेशन दे दी और जो गुड्स नहीं है बाकी सब सर्विसेज है। अब इसका टैक्स के क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि रेट, गुड्स के रेट्स अलग हैं, सर्विसेज के रेट्स अलग हैं। एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विसेज मीन्स उसके ऊपर GST का रेट 18% लग जाएगा। एनीथिंग विच इज़ इन गुड्स, उसमें गवर्नमेंट ने 4-5 रेट दिए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो अगर वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है तो इनमें से कुछ रेट लगेंगे, अगर वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ रहा है, बारिंग अ फ्यू सर्विसेज, उस पर 18% का टैक्स का रेट लगेगा। ये फ़र्क है डेफिनेशन पे। सर्विसेज की क्या डेफिनेशन दी है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसका मतलब ये हुआ सर्विसेज इंक्लूड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स,
बट डज नॉट इंक्लूड शेड्यूल टू के अंदर उन्होंने कुछ गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को. और एक जो मेन चीज अब गवर्नमेंट ने कर दी है, ऑल वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आर सर्विसेज. वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपके मटेरियल भी लगता है और लेबर भी लगती है टुगेदर, बिकॉज उसमें पार्ट मटेरियल लगता है, पार्ट लेबर लगती है, सो दे आर कॉल्ड एज वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑल वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एज पर द न्यू डेफिनेशन विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज. इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका मतलब ऑल वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी टैक्सेबल एट 18%. तो अभी तक जो मैंने आपको बताया मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ. गुड्स की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 248 गवर्नमेंट ने कही है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स. देखिए ग्रोइंग क्रॉप वो हैं जो गवर्नमेंट का जो इस लेजिस्लेशन से जो इंटेंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कैश क्रॉप्स पे भी टैक्स आ जाए. कैश क्रॉप हम उसको बोलते हैं जो कैश के अंदर बिकती हैं कि जिनका कमर्शियल यूटिलाइजेशन है, जैसे मूंगफली की क्रॉप हुई, शुगर केन हुआ, हो सकता है आने वाले टाइम में उन पे भी गवर्नमेंट टैक्स ले आए. तो इसलिए उन्होंने कहा है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम मनी बट ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटीज ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. और डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज इज एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विसेज. तो गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली गुड्स और सर्विसेज को इस तरह से अप्लाई कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे. भाई अगर आप गुड्स नहीं मानते हैं तो उसको सर्विसेज मान लीजिए, अगर आप गुड्स मानते हैं तो 0%, 5%, 12%, 18% या 28% कवर हो जाइए. अगर आप उसको सर्विसेज मान रहे हैं तो उस पर आप 18% टैक्स दे दीजिए. तो ये करने के बाद अब मैं आपको कवर कर देता हूँ कि क्या सर्विसेज, क्या गुड्स आप स्लाइड में अभी देखेंगे कि कौन सी आइटम किस टाइप के रेट्स के ऊपर लग रही है, ताकि आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि गुड्स में क्या रेट ऑफ टैक्स है और क्या गवर्नमेंट का लॉजिक है उस टैक्स को लगाने का. देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो आपके एक्साइजेबल आइटम थी, जो एक्साइज में भी एग्जम्प्ट थी और वैट में भी एग्जम्प्ट थी, उस पर 0% टैक्स है. जो जिसके ऊपर खाली 5 या 6% वैट था वो 5% में आइटम आ गई हैं. जिन आइटम्स के ऊपर 6% एक्साइज 6% वैट था वो 12% में आ गई हैं. जिन आइटम पे 12.5% एक्साइज और 6% वैट थी तो वो जो है 18% में आ गई हैं. या जिन एक आइटम पे 6% एक्साइज और 12.5% वैट थी वो 18% में आ गई हैं. और जिस आइटम पे पूरी वैट और पूरी एक्साइज ड्यूटी थी, यानी कि 12.5% वैट और 12.5% एक्साइज था, वो आइटम सब 28% में आ गई हैं. तो इसलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस. और वो मेथड ये है कि जैसे मैंने आपको जिक्र करा और किस टाइप की आइटम किस में आई हैं. देखिए जो आइटम एक्साइज ड्यूटी वैट से एग्जम्प्ट थी, ऐसी 100 आइटम है और वो ज़्यादातर खाने पीने के आइटम हैं. जो आइटम 5% में कवर हैं वो थी जिनमें 5-6% स्टेट का वैट था, वो आइटम करीब 200 हैं और वो भी फूड प्रोडक्ट से ही ज़्यादातर रिलेटेड हैं. जो आइटम 12% में कवर हैं वो इस टाइप की हैं जिनपे 6% एक्साइज 6% वैट था, वो डेली यूज़ की आइटम है, मास कंजम्पशन की आइटम है, जैसे कैंडल्स हुई, लैंटर्न हुई, स्विंग मशीन हुई, वो उस टाइप की आइटम है. जो आइटम 6% एक्साइज 12% वैट में थी वो 18% GST में है, वो उस टाइप की आइटम है. जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, जो कंपोनेंट लेवल आइटम्स हैं वो हैं. जो आइटम 12.5% एक्साइज और 12.5% या 13% या 15% वैट में थी वो बैलेंस आइटम सब 28% में कवर्ड हैं. उसमें ज़्यादातर FMCG गुड्स, वाइट गुड्स, ये सब आइटम उसमें हैं. अब अपन कोशिश करेंगे कि कुछ मैं स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि कौन कौन सी आइटम, किस टाइप की आइटम 0% रेट पे हैं. जैसे अनपैक्ड व्हीट, अनपैक्ड राइस, अदर सीरियल्स, ब्रेड, एग, चीज़, मीट, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, बुक्स. इवन सरकार ने देखिए कितना ध्यान रखा है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पे कंट्रोल रहे, उस पे फिजूल टैक्स ना लगे. कॉन्डम्स भी 0% पे हैं. तो ये सब आइटम 0% पे हैं. 5% में अगर आटा
आप चक्की से पिसा के लाते हैं तो उस पर जीएसटी 0% है, लेकिन सेम आटा अगर आप आशीर्वाद का या ब्रांडेड किसी कंपनी का खरीदते हैं, आशीर्वाद का, शक्ति भोग का, तो उस पर 5% है। गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि अगर ब्रांडेड आइटम आप ले रहे हैं तो उस पर आप कोई ना कोई कॉस्ट डिफरेंशियल दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स लगा रही है। 12% पे जो आइटम्स हैं वो इंस्टेंट फूड्स हैं, जैसे मैगी है, इडली मिक्स है, जैम है, केचप है, प्रोसेस फूड है, फ्रोजन फूड है, ये सब 12% के रेट पे हैं। कोम, पेंसिल, लाइट, जो आम यूज़ के आइटम है, वो सब 12% पे हैं। 18% पे जो आइटम्स हैं वो शरबत हैं, मैट्रेसेस हैं, सोप्स हैं, बेसिक कैमराज हैं, स्टोव है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जनरेटर है, ऑर्डिनरी स्मार्टफोन्स हैं, ये सब 18% पे हैं। और 28% पे गवर्नमेंट ने वो आइटम्स रखी हैं जो, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र करा, 12.5% एक्साइज जिन पे लगता था और 12-15% जिस पे वैट लगती थी, वो सारी आइटम 28% में हैं। और वो आइटम हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सोप्स, परफ्यूम्स, शैम्पूज। तो लेडीज़ की जितनी भी ज़्यादातर मेकअप की आइटम है वो पहले भी इतने ही टैक्स के रेट पे थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था क्योंकि कुछ टैक्सेस हिडन होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी हिडन होती थी तो लोगों को पता नहीं चलता था, सिर्फ वैट दिखता था। तो लोगों को, कई महिलाओं को लग रहा है कि शायद सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। मोदी जी की चाहे शादी नहीं है लेकिन वो महिलाओं के लिए बहुत ख्याल रखते हैं, तो टैक्स नहीं बढ़ा है, सिर्फ ये है कि अब आपको टैक्स का पता चल रहा है। 81% ऑफ द आइटम जो हैं दे आर इन 18% और लेस देन 18% टैक्स ब्रैकेट। ओनली बैलेंस 19% आइटम्स आर इन 28%, और वो आइटम्स हैं जैसे मैंने आपको कहा, कुछ वाइट गुड्स हैं, यानी कि फ्रिज, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, ऑफिस यूज मशीनरी यानी कि प्रिंटर्स, फोटोकॉपियर्स, फैक्स मशीन, हाई एंड आइटम जैसे लग्जरी कार, मार्बल प्रोडक्ट्स, ग्रेनाइट, सिरेमिक टाइल्स, लाइटिंग, एल्युमिनियम डोर्स, विंडोज, ये सब, और कुछ डीमेरिट आइटम बोलते हैं हम लोग, जो कि आइटम गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, जैसे कि टोबैको है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, ये सब 28% पे है। और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ने 28% टैक्स ही नहीं लगाया है, इवन सेस भी लगा दिया है। तो मैंने अब आप इस सेक्शन में मैंने जो आपको कवर करके बताया है वो एक तो ये बताया है कि गुड्स की क्या डेफिनेशन है, दूसरा सर्विसेज की क्या डेफिनेशन है, रेट कैसे लग रहा है और किन आइटम्स किस रेट में कवर्ड हो रही हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ टू लिसन, यू हैव गिवन मी अ वेरी पेशेंट लिसनिंग। और इस चैनल को आप देखते रहिए, contentguru.com को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए। देखिए जीएसटी उतना बड़ा हुआ नहीं है, ये बहुत ही लॉजिकल टैक्स है, लेकिन कोई भी नई चीज़ आती है तो समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और इस देश में लोग समझने में बहुत तेज़ हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा आराम से इसको समझिए और हम आपकी इसमें मदद करते रहेंगे। आप contentguru.com रेगुलर देखते रहिए, और अगर आपको रेगुलर इसके नोटिफिकेशंस और उसके लिए हेल्प चाहिए तो आप हमारा जो imentorselearning.com चैनल है उसको आप, उस पर जाएँ, उस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट ये सब उस पर भी पूरा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में वहाँ मिल जाएगा। और आपको अगर फटाफट देखना है, जल्दी से समझना है तो आप कंटेंट गुरु पे देखें, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप imentorselearning.com पे जाके इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन लेक्चर्स को आप खरीद सकते हैं, लेटेस्ट फॉर्म्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुनते रहिए, समझते रहिए, जीएसटी उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, ये बहुत आसान है, सिर्फ एक नई चीज़ है इसलिए समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। थैंक यू वेरी मच।